आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए मऊ जिले में वांटेड अपराधियों की तलाश में मऊ जिले के 3 थानों की पुलिस गांव-गांव जाकर अपराधियों की तलाश करती नजर आई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। वहीं सीओ राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस ने वांटेड अपराधियों के गांव जाकर लाउड स्पीकर से ऐलान किया और वांटेड अपराधियों के बारे में जानकारी देने के लिए जनता से अपील भी की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मीडिया के रूप में भी नजर आई, जहां पुलिस टीम ने लोगों से बातचीत की, उनसे सवाल पूछे, लेकिन तहकीकात के तौर पर नहीं, सिर्फ जानकारी लेने के तौर पर। पुलिस टीम को अपने बीच में इस तरह से पाकर जनता भी उनसे काफी कनेक्टेड नजर आई और उन्होंने अपने आप को सुरक्षित भी महसूस किया। वहीं सीओ ने बताया कि हमारे सर्कल में लगभग 12 वांटेड अपराधी हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और जल्द ही वो पुलिस के कब्जे में होंगे। कि कुछ इस टाइप के माफिया हैं या अपराधी हैं जिनकी जिनके बारे में मोहल्ले के लोगों को नहीं मालूम है कि उनके विरुद्ध क्या क्या वारंट है, किस तरह के निर्देश न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं, पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जब सार्वजनिक रूप से इस तरह की घोषणा होती है तो उनकी एक जो छवि है जनता में या दबंगई की छवि है वो टूटती है। उससे उनका जो भय है, जो उनका आवरण है, छद्म आवरण है, वो टूट जाता है और मजबूरी में फिर या तो वो खुद सरेंडर करते हैं या जनता उनकी सूचना देती है, अरेस्ट करती है। यही है। कुछ गैंगस्टर के अपराधी हैं, कुछ NDPS के हैं, कुछ 363 366 के हैं, कुछ 307 के हैं, तो कुल मिला के पूरे जनपद की सूचना नहीं मेरे पास। हमारे सर्किल में लगभग करीब 12-13 इस तरह के जघन्य अपराध वाले हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पिछले हफ्ते कार्रवाई का परिणाम रहा कि उसमें 2 व्यक्ति सरेंडर कर दिए हैं, तो इसके सकारात्मक परिणाम निकले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।